तो गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज रहे हैं अभी 8 o'clock हो रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में, सॉरी जाने वाली हूँ किचन में। किचन में जाने के पहले मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि मेरी स्किन हद से ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो गैस के पास जाती हूँ तो भी स्किन में फ़र्क पड़ता है, इसलिए किचन में जाने के पहले सनस्क्रीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ किचन में खुद के लिए और गुड्डू के लिए चाय बनाने के लिए। यस, गुड्डू आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अकेले अकेले चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। आप लोग साथ में चाय पी रहे थे, बट आप लोग विजुअली पी रहे थे ना, वो बाजू में गुड्डू बैठ करके चाय पीते हैं, एक दो गप्पा करते हैं, तो वो वाली फीलिंग जो होती है ना, वो बड़ी अच्छी वाली फीलिंग होती है। अभी जा रही हूँ खुद के लिए और गुड्डू के लिए चाय बनाने के लिए। पूछते हो गोल्डी के बारे में, तो गोल्डी के पूरे कल मधु मैम का कमेंट जो आया था ना, पूरे दिन का बेस्ट कमेंट क्या था, तो मधु मैम का वो कमेंट था। इसमें उन्होंने लिखा था कि पटना में जो लोग कमेंट यहाँ पिन कर रही हूँ, तो हम लोग पूरी फैमिली इतना हंसे। मैं कमेंट जब भी पढ़ती हूँ ना, और जो कमेंट मुझे सबसे अच्छा और यूनिक लगता है वो कमेंट मैं बोलती हूँ, हाँ, और वो कमेंट जब बोलती हूँ तो मैं गुड्डू, अंशु, गोल्डी सबको बोलती हूँ, बस गोल्डी कह रही एकदम सही है, उनको लिखो कि एकदम सही आप बोले हो। तो कमेंट में लिखा है कि पटना में बहुत मच्छर है छवि जी, पटना में जो लोग भी जाते हैं ना, वहां से प्रिंटेड होके आते हैं। अब वाकई गोल्डी प्रिंटेड होके आई है, पूरे 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 फेस में इतने बड़े बड़े मच्छर मॉस्किटो बाइट जो है ना लेकर के आई। इतनी हंसी मुझे आई ना उस पर। तभी चलिए चाय बनाते हैं, फिर बात करते हैं। पहले पानी पीती हूँ फिर चाय पीती हूँ। अंशु के बारे में बोल रही थी, अंशु के यहाँ क्लास कर रहा है, ऑनलाइन क्लास है उसका लिटरेचर का, और गोल्डी दीदी सो रही है, ठीक है, अंशु उस फ्लैट में गया है। गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और ये देखिए यहाँ पर है 2 कप चाय, एक मेरे पति देव का और एक मेरा, और ये है खारी बिस्किट। तो हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, चाय पीते समय गप्पा मारने के लिए। आप लोग भी साथ में चाय पीजिए और खारी बिस्किट खाइए, ठीक है? चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक लिए बाय बाय। ओके, बज रहे हैं 10:30 हो रहा है और मैं नाश्ता कर रही हूँ। आज ये नाश्ता कर रही हूँ इसलिए क्योंकि कल रात में बनाई थी सत्तू पूरी और आलू टमाटर की बिना मसाले वाली सब्जी, तो बहुत ज्यादा बचा हुआ था, तो मैं और गोल्डी वही नाश्ता कर रहे हैं। आपको दिखला दूं गोल्डी दीदी के दर्शन? ओके गोल्डी दीदी, देख लो एक बार। ओके नहीं, गोल्डी दीदी के पूरे फेस पे जैसे मधु मैम ने कमेंट किया है, मैसेज किया है कि प्रिंटेड होकर के इंसान आ जाता है, तो गोल्डी के पूरे फेस में प्रिंट हो रखा है, बट अभी थोड़ा लाइट लग रहा है गोल्डी का, हो जाएगा। हाँ, हाथ वाथ सब में है तो हो जाएगा, 2-3 दिन में उसका ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं और गोल्डी वही खा रहे हैं, और गुड्डू जा चुके हैं ऑफिस, छठ का जो है वो खजूर का जो है वो खजूर ये सब प्रसाद वगैरह लेकर के। उसका अंशु भी नाश्ता कर चुका है, अंशु ब्रेड बटर और एक गिलास दूध पी करके उस फ्लैट में स्टडी करने गया है, क्योंकि अंशु का स्टडी लीव है और 19th से एग्जाम शुरू है, बट अंशु का जो पेपर है वो 22nd को है, तो अभी तत्काल तो यही है। अगर अभी आप लंच की बात करते हो तो लंच में मैं सोची नहीं हूँ कि क्या बनाऊंगी, बट डिनर में बनाने वाली हूँ मैं बिरयानी, चिकन बिरयानी।
तो मुझे किसने कमेंट किया है कि चिकन बिरयानी का रेसिपी शेयर कीजिएगा छवि जी। तो मुझे एक्चुअली अभी कमेंट मिल नहीं रहा है कि कौन किन्होंने कमेंट किया है कि उन्हें बिरयानी की रेसिपी जानना है, एकदम से अभी ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। बट मुझे याद है कि बिरयानी की रेसिपी किसी ने तो पूछी है। ठीक है, तो आज मैं बिरयानी तो रात में मैं बनाऊंगी, बट उसका जो प्रोसेस है वो दिन में शुरू कर देती हूँ। यानी कि मैं बिरयानी राइस कैसे बनाती हूँ, बिरयानी का जो राइस है वो कैसे बनाती हूँ, प्रिपेयर उसको कैसे करती हूँ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में बिरयानी मैं तकरीबन नहीं भी तो 6 से 7 तरीके से बनाती हूँ। तो आज जो मैं बना रही हूँ थोड़ा मसाले वाला बिरयानी बना रही हूँ, तो वो कैसे बनाऊंगी उसका भी आपको मसाला वगैरह सब दिखलाऊंगी। ठीक है, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा बोरिंग सा साथ निभाना साथिया देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ उस फ्लैट में और यहाँ पे बैठी हुई है गोल्डी दीदी, देखिए आप। बट इनके इतने नाटक हो रहे हैं, अभी इतने नाटक हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। फेस को कवर करके बैठी है, देखिए। मैं 7 डेज तक कुछ भी नहीं करूंगी। मैं देखिए कैसे, मैं पूछी क्यों भैया, मैं 7 दिन तुमसे दूर रही हूँ ना, तो मैं 7 दिन कुछ नहीं करूंगी। तो थाली भी खुद से निकाल के नहीं ले रही है यार, मैं तो परेशान हो रही हूँ। उठा मैं रही हूँ। हाँ उठा रही हो बट निकाल नहीं रही है। क्या तो मम्मा खिलाओ भी तो खिला नहीं रही है। खिलाने के लिए बोल रही है यार, बताओ 7 दिन घर से बाहर रही है तो इसके नाटक इतने हो गए। फेस कर से मनोज कुमार टाइप का कवर करके बैठी हुई है, बोल रही हूँ कि ये पिल्लो ये सब यहाँ रखा हुआ है, लिविंग एरिया है, इसको उठा करके बेडरूम में रख दो, बट नहीं रखना है। तो अब जैसे अभी आप देख रहे हो 12 o'clock होने वाला है, अब मेरी परेशानी बढ़ गई है। मुझे इस फ्लैट और उस फ्लैट दोनों में भागदौड़ लगा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इधर रहती हूँ अंशु उधर टाइम पास कर रहा है कि क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मुझे वो भी देखने जाना होगा क्योंकि बच्चा ही है, उसको लगेगा कि मम्मा मेरे सामने नहीं है, तो हो सकता है वो टाइम पास ज़्यादा करे स्टडी कम करे। तो मैं अभी वहाँ जा रही हूँ, गोल्डी को बोली हूँ कि डिसाइड करो कि तुमको इस फ्लैट में रहना है कि उस फ्लैट में रहना है, कि मुझे इस फ्लैट की भी सफाई करनी है प्लस उस फ्लैट में अंशु को भी देखना है, पागल हो जाऊंगी मैं सीरियसली। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ उस फ्लैट में, फिर आएगी मीरा तब मैं इस फ्लैट में आऊंगी बिरयानी वगैरह का शुरू करने के लिए। ठीक है, पूजा मुझे करना नहीं है, आप समझ रहे हो ना, आप समझ जाइए। 5 डेज पूजा करना नहीं है तो सार में अभी तक फ्री नहीं हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चावल कैसे बनाती हूँ, तो ये पानी आप देख रहे हो गैस ऑफ है, मैं तकरीबन 5 लौंग डाली हूँ, उसके बाद 4 से 5 बे लीफ यानी कि तेज पत्ता डाल रही हूँ, 1 बड़ी इलायची को खोल के डाल रही हूँ, उसके बाद इसके अंदर डालूँगी 2 इलायची यानी कि 2 छोटी इलायची, अब इसके अंदर डालने वाली हूँ थोड़ा सा दालचीनी, उसके बाद कवर करके लो फ्लेम में जो है गैस को ऑन कर दूँगी मैं। देखिए पानी जो है वो उबल चुका है और पानी का कलर देखिए, सारे फ्लेवर जो है वो सारा जो है वो पानी के अंदर आ चुका है। अब जब इसके अंदर चावल डालूंगी तो वो सारे फ्लेवर जो है वो सारा जो है वो चावल के अंदर। मेरे घर में 2 साल का बच्चा है और वो कोई नहीं है, गोल्डी है यार, दाने देखिए गोल्डी के पे, जो मेरा हाथ अभी ये पूरा जला है, गोल्डी के दाने देखिए यार, कहाँ पर जगह नहीं, भैया बैठे हुए ना, भैया लेके खुद से खा नहीं रही यार, ये पूरा हाथ जला दी मेरा। 1 वीक से दूर हो? अरे 1 वीक से दूर है ये, उसका मतलब क्या बताओ आप, दवा तक नहीं खा रही है यार, इतना पीछे से बोल रही थी पूरा मेरा हाथ जला, इस हाथ के ऊपर ही ग्रह है पता है क्या, टैबलेट भी अब इसको खिला रही हूँ मैं, सोचिए आप। लो अभी बॉटल से फिटिंग कराते हैं, आ गए मेरा थोड़ा आंसू का ये इरिटेट हो रहे हैं यार, अब कौन दवा है गोल्डी, हो गया
कफ से ना पकड़ो। आप भी कर सकते हो, अगर आप ही अपनी माँ से मांगी की दूर हो तो आप ही अपनी माँ नहीं करो। माँ को बहुत काम होता है और ये मुझे परेशान कर रही है, मुझे इरिटेट हो रही हूँ। मैं सुबह का दवा 1 o'clock खा रही हूँ। बताइए, सुबह से मैं दवा नहीं खिलाई हूँ तो ये दवा नहीं खाई है। मैं एक अबला नारी क्या क्या करूँ मैं, और इस बच्चे पे इतना जुल्म होता है उसका क्या? हाँ, बहुत जुल्म होता है इस बच्चा पे। पकड़ो इस बच्ची को, चक्कर है, इस बच्ची में ताकत नहीं है। लेकिन ओके, अचार उतरवाया जाता है वो भी इस चेयर पे खड़े होके। अब जब लगे आपको कि 2/3 आपका चावल पक चुका है, तब आपको क्या करना है, जो भी इसके अंदर आप डाले हो ना, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, उस सबको आपको निकाल देना है। और उसके बाद आपको चावल का पानी निकाल देना है। जब पानी अच्छे से निकल जाता है, उसके बाद तुरंत चावल का कवर आपको हटा देना है, ताकि वो गर्मी से भी चावल पक जाता है तो आपको ठंडा होकर के होने के लिए उसको छोड़। उधर जो है वो चावल का मैं पानी निकलने के लिए चढ़ा दी हूँ। जब वो पानी निकल जाएगा उसके बाद तुरंत उसका कवर मैं हटा दूंगी, और उसका जब वो ठंडा हो जाएगा तो किसी भी चौड़े मुंह वाले बर्तन में डाल दूंगी, ताकि वो चावल जो है वो गर्मी में पके नहीं। अभी मैं बना रही हूँ बिरयानी का, मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। कुकर में क्या चढ़ा रही हूँ उसको आप इग्नोर करें, उधर मैं दाल चढ़ा रही हूँ लंच के लिए। बट कढ़ाई में मैं डाली हूँ रिफाइन, उसके बाद मैं डाली हूँ उसके अंदर जीरा। मैं क्योंकि सिर्फ तकरीबन मैं समझो ना आप 300 ग्राम चावल का बिरयानी बना रही हूँ मैं, तो उसके अंदर मैं डाली हूँ मीडियम साइज़ का 5 प्याज जो है वो बारीक काट करके डाली हूँ। उसके बाद नमक डाल करके उसको हल्का भूनी हूँ। जब मेरा प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉटे हो गया, यानी कि थोड़ा सा भून गया, उसके बाद उसके अंदर डाली हूँ बारीक टमाटर कटा हुआ, और 3 बारीक टमाटर काटी हूँ। उसके बाद उसके अंदर डाली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद उन दोनों को भूनी हूँ, यानी प्याज, टमाटर, नमक और अदरक लहसुन पेस्ट को कम से कम लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाई हूँ। उसका जब वो पक गया, उसके बाद उसके अंदर डाली हूँ 3 चम्मच बिरयानी मसाला। मैं सुहाना का यूज़ करती हूँ, आप जो भी बिरयानी मसाला यूज़ करते हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद उसके अनुसार आपको स्वादानुसार आपको डालना है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, यानी कि जीरा को पहले भून ले उसके बाद उसको क्रश कर ले, उसके अंदर डालना है आपको जीरा पाउडर। थोड़ा सा आपको डालना है इसके अंदर आपको लास्ट में गरम मसाला, थोड़ा सा मैं डाली हूँ टोमेटो सॉस। इन सबको डाल करके आपको एकदम अच्छे से भूनना है और आपका बिरयानी मसाला बनके। आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो ना कि छवि प्लीज़ आप डार्क सर्कल के लिए कुछ बताइए, या फिर आप मीन्स डार्क सर्कल के लिए कुछ बताइए, कोई क्रीम बताइए, मेरे नेक जो है वो काले हो गए हैं उसके लिए क्रीम बताइए, है ना। बहुत क्रीम का रिव्यू भी बोलते हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है इसलिए आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। लेकिन आपको पता है मैं कितना रिस्क लेती हूँ। अभी वो जो अंडर आई में वो एक क्रीम लगा रही थी, वो क्रीम को मैं पिछले 5 दिन से लगा रही हूँ, और अभी मैं कम से कम अभी 15 दिन और उसको लगाने वाली हूँ। उसके बाद मुझे कैसा लगा, मुझे मेरे स्किन के ऊपर अंडर आई उसके इफ़ेक्ट आए हैं या नहीं आए हैं,
तो वो अभी 15 दिन और लगाने वाली हूँ, फिर उसके बारे में रिव्यू करने वाली हूँ कि वो क्रीम मुझे कैसा लगा, मेरे आईज के ऊपर इफेक्ट दिया या फिर नहीं दिया। दूसरा, जो आप लोग बोलते हो ना कि नेक काले हो जाते हैं, तो उसके ऊपर के लिए भी कोई क्रीम अगर हो तो आप बताइए। बहुत सारे कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि नेक काले हो गए हैं, उसके लिए होम रेमेडी तो है ही, प्लस कोई क्रीम भी आप बताइए। तो अभी उसके लिए भी मैं क्रीम जो हूँ वो देख रही हूँ, काले नहीं है, बट लेकिन जब मैं धूप में जाती हूँ, तो जब मैं धूप से आती हूँ तो मुझे मेरा जो नेक है ना वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। मेरी स्किन इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गैस के पास जो कुकिंग जो करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो वो गैस का जो वो हीट आता है उसकी वजह से ये मेरा बर्न हो जाता है, ये बर्न हो जाता है। तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना हमेशा कि जब मुझे भी ये चीज़ सूट कर गया तब मैं आप लोगों के पास लेकर के आती हूँ, चाहे कोई भी पैक हो चाहे कुछ भी हो, कि भैया मेरे स्किन को सूट कर गया तब तो भाबा सबके स्किन को सूट करेगा। फिर भी मन में डाउट होता है तो मैं बोल देती हूँ कि भाई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको सूट नहीं करते, ऐसा बोलती हूँ ना मैं आप लोगों को। तो बहुत कुछ अपने ऊपर मैं ट्राई करती हूँ तब आप लोगों के लिए ले करके आती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यू हो चाहे ड्रेस हो चाहे कुछ भी हो, बहुत कुछ बहुत रिस्क लेती हूँ फिर आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ। मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों से बदले में क्या मांगती हूँ, सिर्फ एक सब्सक्राइबर कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी फैमिली बढ़ती नहीं, और अदिति पांड्या मैम है शायद, उन्होंने मुझसे ये वाले, ये जो नीचे आप देख रहे हो ग्रीन वाला, ये वाला शायद इसके बारे में ही पूछा था, है ना। इसके बारे में शायद पूछ रही थी आप अदिति जी कि ये आपने कहाँ से लिया है छवि जी, इसका लिंक आपने नहीं दिया। तो ये जो है ऑनलाइन भी मिलता होगा, बट ये ऑनलाइन नहीं परचेज है, ये शॉप से जाकर के परचेज किया हुआ है, और ये जो है लिटवेयर का है, ठीक है। और ये बहुत पुराना है, कुक एंड सर्व है, इसमें मैं खाना पका भी सकती हूँ और इसी में खाना परोस भी सकती हूँ। पिछले 16 साल से यूज़ कर रही हूँ, 16 ईयर से, लेकिन थोड़ा सा भी ये ख़राब नहीं हुआ है। इसमें आराम से आप सब्जी से लेकर के बिरयानी तक पका सकते हो और आप इसमें सर्व भी कर सकते हो, बट अब ये 16 साल पुरानी वाली क्वालिटी अब कहाँ मिलती है ना। बट फिर भी आप ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूँगी, ऑनलाइन अगर ये दिख गया तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो आई होप कि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मिलते हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।